इसका एडवांटेज सिर्फ ये है कि आपके पास एक से ज्यादा सिस्टम मौजूद है और आप उन दोनों को यूज करके जर्नी को ट्रेन ऑपरेशन को आप कंटिन्यू करते हैं। ये सिर्फ एक इसका एडवांटेज, लेकिन ये महंगा बहुत पड़ जाता है कई जगह। तो ये वहीं पे किया जाता है जहां पे ऑलरेडी एक सिस्टम आपका मौजूद है और दूसरा सिस्टम आप उसके साथ लगा रहे हैं, और वो दूसरा सिस्टम जो है वो आपको इसलिए लगाना पड़ रहा है, एक नया बिल्कुल नया और एक ऑलरेडी मौजूद है, अगर लगाने वाला उससे मैच कर दिया तो वो एक ही हो जाए, फिर तो एक फिर कंपोजिट ही होगा, फिर वो एसी है एसी है और डीसी है तो डीसी है। लेकिन अगर आपने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ उसमें आ रहे हैं तो फिर दो अलग अलग सिस्टम, वो सिस्टम जब अलग आ जाएंगे तो वो फिर कंपोजिट हो जाएगा। वहाँ आपकी मजबूरी भी हो सकती है, बजट भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, या डोनर एजेंसी की कंपल्शन भी हो सकता है। हमारे यहाँ जैसे होता है कि हम हमारे अपने फैसले नहीं होते, हम देखते हैं कहाँ से फंड मिल रहा है, वो कहते हैं ये दे, इसलिए कहते हैं कि उनकी अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी होती है, मटेरियल भी वहीं का होता है, तो कहते हैं हमारा ये उनकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। तो वो अगर ये कंपल्शन है तो फिर वहाँ कंपोजिट वो बन जाता है। सर इसके अलावा कोई टेक्निकल बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल एक नई लाइन पे चल रहे हैं और वो कहते हैं कि सेक्शन से सेक्शन तक हम इसी करेंगे सेक्शन से नहीं ऐसा ये समझ में आने वाली बात इसलिए नहीं है कि जब आप एक नई चीज कर रहे हैं, जब करनी ही नहीं है तो फिर आप उसको दो शेप में दो तरीकों से दो मुख्तलिफ चीजें क्यों लगाएं, फिर आप एक क्यों लगाएं, आप ये बस काम करना चाह रहे हैं एसी का लगाना चाह रहे हैं, तो आप सारे के सारे एक कंपनी के क्यों, एक किसी का एक किसी का एक किसी को, ऐसा तो कभी नहीं करेगा। तो ये तो बहुत छोटा सा आइटम है, बड़ा फैसला है रास्ता निकाले, लेकिन फिर एक ही होगा, दो सिस्टम कभी नहीं लगाए, नया तो एक ही। हाँ मजबूरी जो मैंने बताई कि ऑलरेडी पहले वहां से यहाँ तक एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है आपका, अब कह रहे हैं इस तरफ भी चल रहे लाहौर से खाने वाले पाकिस्तान रेलवे के साथ लाहौर से खाने वाला आपका सिस्टम चल रहा था, अब नया सिस्टम लगा रहे हैं, फर्ज करें हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम चाहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन कराएं, और जो मुल्क हमें फंड कर रहा है वो कहता है मेरा सारा इक्विपमेंट जो है वो 16 kV पर डिजाइन है, तो आप सप्लाई जो है ना यहाँ पे 16 kV, मैं फंड भी कर रहा हूँ, मेरा मटेरियल भी फिर आपको लेना पड़ेगा, इस हवाले से फिर ये तो नई चीज जब आती है एक ही लगाएंगे तो एक ही हो, आपको ये नहीं कहेगा कि आप खाने वाले से लेके रोड़ी तक 16 kV लगा रहे हैं और रोड़ी से आगे फिर 25 लगा दो, नई चीज है तो फिर आप पूरा का पूरा डिजाइन एक करते हैं एक ही चीज, लेकिन जहाँ ऑलरेडी है मजबूरी है कंपल्शन है वो मैंने बताई वो उसी को खर्चे डबल हो खर्चे बढ़ जाएंगे। आपने जिनके पास पैसा है वो तो ये चीज सोचेंगे, पैसा मौजूद है वो इस पे नहीं जाएंगे ना ट्रांजिशन के रेट ना कुछ, वो कहेंगे बस ठीक है इसको बंद करो जितना चल रहा है चलता है बाकी पूरा एक ही सिस्टम उसमें तो पैसा है, हम ये वाला लगाना चाहते हैं यही है कोई कॉम्प्रोमाइज वहां पर नहीं होता। लेकिन अगर तुम सरमियाना बोल के या गरीब बोल के चलता तो रहेगा लेकिन खर्ची आपको बढ़ते हैं, आपने उसकी उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट नहीं देखनी है कि आपको कितना इकोनॉमिकल पड़ रहा है, फर्ज करें आप एक सिस्टम लगा रहे हैं और उसका पे बैक पीरियड या 6 साल है,
आपने इस पे खर्च किया 6 अरब रुपए। अब ईटी की कॉस्ट लोकोमोटिव निकाल ओवरहेड सारा फीडर स्टेशन सब स्टेशन ट्रैक सेक्शन ये सारे जो भी ये सारा का सारा 10 किलोमीटर पे लगा रहे 1000 किलोमीटर पर आप उसकी जो कॉस्ट आपकी लगी है वो मैक्सिमम 6.5 साल में पे बैक हो जाती है जितना आपने लगाया वापस आ जाता है। अगर 100 किलोमीटर पे लगाए तो 100 किलोमीटर की ही अर्निंग होगी ना आपको, जब आप 1000 पे चला रहे तो 1000 की अर्निंग होगी, तो वो पे बैक पीरियड उसका डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स कितनी ज्यादा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप लगाए इसीलिए रहे ना कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहो, आपका जो पे बैक पीरियड है वो 6.5 साल लेंथ जो भी हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेन। वैसे यार इस वीडियो में ना कॉपर पे दूसरे रंग की टाइल होनी चाहिए, पता चल जाए कि यहाँ खत्म हो गई। कल उनको मेरा जो कमरा है ना सेकंड फ्लोर पे तो उधर सीढ़ियों वाली साइड हो रही है राइट में, मैं अपने हिसाब से आ रहा था तो मैं एक स्टेप तैयार नहीं रहा कि 5 MH 4 समझा मैं लेकिन 4 ही बस और पावर नीचे लाने पे जा रही है बड़ा फ्रैक्चर भी हो जाता है या मोच आ जाती कुछ ना कुछ हो जाता तो ऑफ के लिए निकल देते। तो यहाँ भी मैं अक्सर देखता हूँ मगर बहुत से देखना पड़ता है एक एंड के ऊपर ना एक टाइम डिफरेंट होना चाहिए आपकी जो टाइम एग्री करते हैं। यस सर ऐसे आपका वॉच हटना बात पहले तो लाइट होनी चाहिए, पहले तो लाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए नहीं वैसे यहाँ की भी बात है ये अक्सर अब मुझे आइडिया हो बाकी तो मैं तो ज़रा घूमता फिरता रहता हूँ फील होता है आप लोग भी आते जाते। अच्छा तो वो जो डेफिनेशन आई कि दोनों के रिसोर्सेज को आपने कंबाइन किया कॉम्पोजिट हो गया। अब कल क्यों रहे हैं कि दो मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो एक ट्रैक के ऊपर आप यूटिलाइज कर यूजिंग मोर देन वन सिस्टम। जो मैं बात कर रहा था कि आप जर्नी को ट्रेन की ऑपरेशन को आप कंटिन्यू करते हैं इसलिए उसको यूटिलाइज करते हैं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिफाइड रूप से और इस तरह भी है जैसे शहर जाने का था तो ये वाली चीज आ गई कि थर्ड रेल किसने बात की थी थर्ड रेल भी है ओवरहेड भी है। अब लोकोमोटिव आपका जो है ना वो ऐसा होना चाहिए दोनों सिस्टम पे काम कर रहा हो ये फैसिलिटी उस लोकोमोटिव में हो और उस पे भी काम करे जो सिस्टम आपके पास इस साइड पे भी है इस साइड पे तो ये हम किस तरह अकम्पलिश करते हैं किस तरह लेते हैं ये आगे आ रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आगे आ रहा है किसी और ये देख रहे हैं वहां बैठे
कंपोजिट क्या क्या हो सकता है? जब कंपोजिट में आ गए एसी और डीसी को कंबाइन किया, उसके रिसोर्सेज को कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन की थी, फिर हमें कंपोजिट मिला। कंपोजिट किस किसका होता है? एसी टू डीसी भी हो सकता है, एक साइड पे एसी चल रहा है, एक साइड पे डीसी चल रहा है, सप्लाई दोनों है। और सभी काल मेरे वाला आज भी नहीं कुछ आपको जवाब होगा इस चीज का हवाले के पास। एक साइकिल कुदरत पीछे आ रही है, आपको इसका अंदाजा जरा टाइम के साथ। एक दिन ऐसा आता है जिसमें मेजॉरिटी लोगों की बहुत खुश होती है या बहुत ज्यादा डर होती है। मेजॉरिटी कोई वजह नहीं हो आप फील नहीं करोगे, लेकिन यार मतलब बहुत खुश बात करते हुए चेहरे पे बार बार मुस्कुराहट आ रही है। और एक को नहीं कईयों को आ रही है। इसी तरह कभी बिल्कुल डर होंगे और मावस की रात वो कौन सी होती है पता नहीं, अगर ड्रामा में करते हैं फुल मून वाली रात पता नहीं मुझे। लेकिन ये चीज मैंने नोट की है, ये चीज मैंने रियली नोट। और कल का दिन ऐसा था, कल दो खटक नहीं मिलेगा कि यार अजीब से डिप्रेशन। मेरी अपनी भी फीलिंग जो कल थे उन्होंने फील किया होगा, मैं उतना एक्टिव नहीं था, मेरी तबीयत अजीब सा था। और भी उन्होंने ये स्काई फॉल किया, वही चीज जा रहा है जैसे एक चीज होती तो होती। जैसे कभी मार्केट में बाजार में किसी दूसरे शहर में कहीं घूमते फिरते आपको कभी कोई ऐसा चेहरा नजर आया, ऐसा शख्स नजर आया, ऐसा बच्चा नजर आया, कोई इसको देख के आपको अंदाजा हुआ हो कि यार इसको मैंने कहीं देखा है? हालांकि आप टोटली कभी ऐसा किसी को फील हो, किसी को नहीं होता है, किसी एक को, ये सबको होता भी नहीं है लेकिन बहुत सबको होता है। तो आपको लगता है कि यार मैंने इससे मैं मिला हूँ, उससे बात से नहीं हो रहा है? आपके साथ नहीं, आप
ये फील होता कि मतलब इसके साथ मेरी कनेक्शन हुई है, ये लगता है कि बस इसको पढ़ने को पहले कहीं देखा हुआ है, जानता हूं ये नहीं है कि इसके साथ मेरी हुई बातें। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, बंदा सोचता रहता है उसको कहां मिला, तब वो होता है कि आपको एक सीन याद आ रहा होता है कि ये सीन मैंने पहले देखा हुआ है पूरा, और ये भी पता होता है आपको कि सामने वाला क्या बात करने लगे और आप उसको रोकने भी कर देते हैं। लेकिन जब आप मजहब की बात करते हैं वो किसी का भी मजहब हो उसकी थोड़ी ना कोई बुनियाद हो, लेकिन इसके पीछे ये रीजन बताई गई है कि ये जो हमें ये सर लगता है ना कि हम इस पुराना पर्दे से बात कर चुके हैं या ये वाला सीन हमारे साथ हो चुका है, तो इसकी ये रीजन बताई गई है कि ख्वाब हमने देखा होता है जो सच्चा ख्वाब होता है, लेकिन उस वक्त वो हमें याद नहीं होता, जब वो हमारे साथ प्रैक्टिकली हो रहा होता है तब हमें याद आता है। बात चल पड़ी तो मैं इस समय अक्सर होता है थोड़ा सा आपसे भी फीडबैक देने की आपके तजर्बे से भी फायदा हो सकता है आप में से किसी को। चले जी, टाइप ऑफ कंपोजिट में आ जाते हैं, एसी एसी भी है, एसी टू डीसी भी है और डीसी टू डीसी भी है। थ्री फेज तो खत्म ही हो गया, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ, लोकोमोटिव के अंदर हमारा सिस्टम थ्री फेज अभी भी मौजूद है लेकिन सिंगल फेज, अब वो थ्री फेज ओवरहेड सप्लाई तो टोटल खत्म हो गया, आपको तो कहीं नहीं दुनिया में उस हवाले से मान लो एसी टू एसी नहीं सिंगल फेज टू थ्री फेज। अब थ्री फेज क्या है, आप उसको भी उधर ले सकते सिस्टम। हमारे यहाँ जो सिस्टम पाकिस्तान रेलवे में चल रहा था ये सारे एसी सिस्टम जिसको कह रहे थे, मैं उसको भी कंपोजिट इसलिए कह रहा था कि वो एसी टू डीसी था, लोकोमोटिव के अंदर डीसी मोटर्स थे ना, कि जब आप सिस्टम टोटली आपका पास ए भी चल रहा हो तो वो एक है, नहीं है तो नहीं, फिर कोई भी चेंज है वो कंपोजिट। ये किताब नहीं कह रही, ये मैं कह रहा हूं इसको, और मैं इसको अगर अपनी तरफ फॉलो करूं कि मैंने कि छोटा सा भी, अब मैं आगे आऊं ना तो हो सकता है आप लोग उससे डिफर करें, हो सकता है, लेकिन मैं आगे इसमें बताऊंगा कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर एसी टू एसी हो मतलब एक सेक्शन में भी वन फेज सिंगल फेज हो दूसरा नहीं, वो तो अपनी जगह है उसी पे कारण, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपकी सप्लाई एसी ही है लोकोमोटिव के अंदर, अगर आप उसको डीसी में कन्वर्ट करके डीसी सीरीज मोटर लगा रहे हैं तो मेरे नजदीक वो भी कंपोजिट है। पहली वाली बात करता हूँ, ये मैं अपनी बात कर, नंबर टू पे अगर एसी सिंगल फेज सप्लाई है और अंदर थ्री फेज मोटर लगी है जो कल हम बात कर रहे हैं, तो अगर इंडक्शन मोटर लगी तो सिंगल फेज से थ्री फेज हो गई मेरे नजदीक वो भी कंपोजिट है, सिस्टम दो हो गए, नहीं सिस्टम हो गए तो आपको सिस्टम के अंदर ही आया। यस एग्जैक्टली, आप आपने फोर हेड क्यों चाहिए, पीटी क्यों लगाई किसको, आप उसको हटा दें लोकोमोटिव चला नहीं हो सकता, लाजिम और मजलूम है जब तक लोकोमोटिव चलेगा सप्लाई से उस सप्लाई से ये सिस्टम पूरा लिंक हो। अब वो एसी टू एसी सीधा ट्रैकिंग
सी जा रही है और एक सी जा रही है जब एसी और डीसी आ गई कंपोजिट तो हो गया एक बार में जा रही है जब आधी एसी जा रही है वन हेड एसी जा रही है ट्रांसमिट नंबर अब उसमें हमारे पास तीन किस्म के लूप होते हैं एक जो डीसी मोड का एक एसी मोड का और एक स्पीड में से चलता है एसी का अब वो जो हमारे पास ऊपर सिंगल फेज आती है और जो ट्रैक्शन मोटर को सिंगल फेज डीसी मोटर है उसके लिए वो एसी सिस्टम हो गया सप्लाई सिंगल फेज कर दी लोकोमोटिव थ्री फेज ही सिंगल फेज को स्प्लिट किया तो वो थ्री फेज वहां पे आ गया उसके बाद क्या हुआ कि डीसी मोटर्स पे आ गए स्ट्रेट अवे डीसी मोटर्स पे आ गए डीसी सी जब उस पे आ गए उसका टॉर्क की वजह से उसकी स्पीड की वजह से इन्वेंट किया और रिसर्च किया उसने टॉर्क थ्री फेज से डायरेक्ट डीसी गया अब या डीसी है या थ्री फेज एसी थ्री फेज सिंगल फेज डीसी सप्लाई से थ्री फेज मोटर वाला सिस्टम ही वो आप एसी से वो एसी से लेते हैं वो सिस्टम ही अब जो मैं बात कर रहा था ना कि मैं जब किस किस को कंपोजिट कहता हूँ और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से होना चाहिए वो कैसे टू डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम है एसी टू डीसी या डीसी टू एसी आप इसको ऐसा समझ लेंगे स्टेशन है स्टेशन एक साइड पे एक सिस्टम है दूसरे साइड पे दूसरा अब वो इसको विजुलाइज करेंगे ना तो एक साइड पे एक है अगर वो एक साइड से ट्रेन आ रही है और वो स्टेशन पे पहुंच गई है तो अगला सिस्टम उसने अडॉप्ट करना है वो डिफरेंट है टू डिफरेंट वोल्टेजेस भी हो सकते हैं ये आपने भी बात की इधर भी थर्ड रेल ओवरहेड रेल ओवरहेड रेल देखिए आप कल तो परसों थर्ड रेल टू ओवर हेड रेल डिफरेंट करेंट कलेक्टर्स भी वो जो डीसी की बात हो रही थी एंड पेपर सी टू डीसी वो करंट कलेक्टर्स भी हो सकते हैं सिस्टम आपने चेंज करा है अब सप्लाई की बात नहीं हो रही वही सप्लाई है लेकिन उसकी कलेक्शन है ठीक है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एक लोकोमोटिव यही उसका एडवांटेज है रेल है दूसरे सेक्शन में जाके जब वो कलेक्टर चेंज होगा तो वो कलेक्टर को दूसरा वाला वो टच कर जाएगा वो अच्छा मोनोरेल देखी है आपने देखी होगी कोई बाहर जाके विजिट वगैरह किया होगा अच्छा बिल्कुल उसमें कोई आइडिया दे मोनोरेल जो है वो कंपोजिट में कहीं फिट इन होती उसको उन्होंने जवाब दिया ऐसे कि तुम जाओ मारिए नहीं है
ये सॉन्ग से आते हो ये नहीं होता है तो इस पे कोई आइडिया मुझे आइडिया था मोनोरेल कंपोजिट में कहीं फिट इन हो सकती है नहीं मैगलैब नहीं मैगलैब नहीं उससे आगे सर प्रोविजन इसलिए भी नहीं हो सकती अगर आप ऐसी सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप वो जो मोनोरेल है उसको रिटर्न रेल इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप उसका सिस्टम देना चाहेंगे तो उसको प्रोविजन के लिए भी नहीं आएगा मोनो वो जो रेल है अगर वो तो रिटर्न रेल जेजर पर कौन सी चीज रखी हो ठीक क्या है मोनो है ना तो वो एक बीम बनाते हैं बीम के ऊपर चलाते हैं बीम के साथ एक बॉडी इसमें आया था और सप्लाई को नीचे से दे रहे होते हैं जो आपको मिल रहा है वहीं पर उसके बीम भी लगे होते हैं उसके साथ तो ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट है ये उसमें कहीं भी फिट नहीं मैंने वैसे लिख लिया था मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेन स्टॉपिंग के लिए वो इसी की दूसरी किस्म है उसके एंड की होती है किसके जब हेड की हुई है तो ऊपर ही होंगे नहीं होंगे आप ये जो चलती है केबल का इसमें केबल चलती है केबल चलती है इसके अंदर बीम चलता है इसमें तीन कनेक्शन होते हैं तीन जगह तो हैंड की होती है सर लेकिन इसमें एक चीज आप बोलती है आपके आप आपके जो डेफिनेशन के मुताबिक ना कि अगर विद इन द सिस्टम विद इन द लोकोमोटिव अगर आप कन्वर्शन करते हैं तो वो भी कंपोजिट फ्रैक्शन मैं अपनी बात हूं तो उसमें फिर मोनोरेल नहीं आ सकती फॉर एग्जांपल अगर मोटर जो है ना वो एसी यानी मोटर तो बात नहीं वो चलेगी ही उसमें पहली बात कई की सिस्टम है सप्लाई सिस्टम यहाँ पे उसका ट्रैक भी हो रही है टीम भी हो रही है सप्लाई अब उसका तरीका क्या कहा है तीन ही तरीके क्या कह रहे राइट चेंजिंग के बाद इसमें आप मल्टी सिस्टम लोकोमोटिव यूज करते हैं कंपोजिट करने के लिए या लोकोमोटिव ही चेंज कर देते हैं एक एक सिस्टम के डिफरेंट लोकोमोटिव है और वो यूज कर लेते हैं या फिर आप लोकोमोटिव वहां मौजूद है उसमें सिस्टम अडॉप्टेबिलिटी है कि वो दो डिफरेंट वोल्टेज पे काम कर सकता है तो आप उसी ओवरहेड में वोल्टेज चेंज कर लो ये तीन तरीके क्या वो वीडियो देख रहे हैं बोले अरे मैं स्पष्ट सही है क्लैरिफिकेशन मैं सीखूं
अच्छा मल्टी सिस्टम लोकोमोटिव जब आप बताते हैं, जिस लोकोमोटिव के अंदर सिस्टम एक से ज्यादा है उसमें अडॉप्टेबिलिटी है, तो वो दो सिस्टम में जा रहा है और वो खुद ही अडॉप्ट कर लेता है जब सिस्टम चेंज हो जाता है एक पोर्शन से दूसरे में, उसका तरीका क्या है? अगर तो वोल्टेज डिफरेंट है तो उसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल जिसको कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है और उसको चेंज ओवर कर देता है उस वोल्टेज के ऊपर, और वो किस टाइम पे करता है, किस जगह करता होगा जब सिस्टम उसने चेंज करना है, कोई आइडिया नहीं। मोस्ट प्रोबब्ली हाँ इलेक्ट्रिकल वर्क से इसलिए पूछना चाह रहा था, वो पढ़ के आएंगे न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है, जहां पर एक पोर्शन ऐसा आएगा जहां पर ये सिस्टम अप्लाई कर रहा होगा ना ये कर रहा होगा टोटल डेड होगा उस तो उसको न्यूट्रल सेक्शन सेक्शन, बस वो तरीका कर क्या न्यूट्रल सेक्शन का कि वो क्या करता है ड्राइवर वहां क्या करेगा, न्यूट्रल सेक्शन इलेक्ट्रिकल वाले जरा बता दें क्या करता है ड्राइवर क्या करता है, वो सबसे पहले तो एक स्टेप बता रहे सिर्फ एक स्टेप सर्किट ब्रेकर ऑफ करता है बस ठीक हो गया लिखा हुआ ड्राइवर शट्स ऑफ पावर, पावर कैसे ऑफ करेगा सर्किट ब्रेकर को ऑफ करके सप्लाई उसने पार्ट दी लोकोमोटिव को, अब फर्स्ट करें यहाँ से सप्लाई आ रही है और कोई एक ब्रिज कोई यानी 25,000 करने आप 16,000 जितनी भी करना तो एक सप्लाई पे आ रहा था, अब उसको पता है कि आगे इंडिकेशन आ गई है कि आगे दूसरी सप्लाई है, उसने सर्किट ब्रेकर ऑफ कर दिया सप्लाई ऑफ कर दी शट ऑफ हो गई, नेक्स्ट अब न्यूट्रल सेक्शन आ गया, उस न्यूट्रल सेक्शन से वो पास कर गया मोमेंटम, उसने कुछ नहीं किया उसको न्यूट्रल सेक्शन उसने क्लियर किया, सर न्यूट्रल सेक्शन का कोई स्पेसिफाइड वो है कि वो कितनी मीटर तक होना चाहिए या ना मिनिमम 15 मिनिमम 40 तक भी जितनी हाई स्पीड ट्रेन होगी उतना न्यूट्रल सेक्शन लंबा होगा क्योंकि उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना न्यूट्रल सेक्शन के, तो वहां तक जिस वक्त वो इस पर छोड़ेगा अगर ड्राइवर में थोड़ी सी गलती हो जाती है और वो लेट कर देता है तो वो फ्लैश जनरेट करेगा जहां पर वो इसको छोड़ेगा, ठीक है, अब वो फ्लैश उसके साथ साथ पेंटों के साथ आगे जाएगा, अगर वो छोटा होगा तो दूसरे के साथ टच करेगा ट्रिपिंग करेगा, तो इस वजह से स्लो स्पीड है छोटा होगा हाई स्पीड है बड़ा होगा, तो इसी हिसाब से जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है न्यूट्रल सेक्शन की लेंथ भी बढ़ा दी जाती है ताकि ये वाला स्पेस बढ़ जाए और ये ट्रिपिंग वाला जो चांस है वो खत्म, नहीं नहीं स्पीड जिस स्पीड पे वो डिजाइन है ट्रैक एक होती है ना डिजाइन स्पीड एक होती है फोक्ड स्पीड, आपने डिजाइन तो कर दिया 300 पे लेकिन आपने फोक कर दी ट्रेन के आपने 260 पे, तो वो फोक्ड स्पीड जो भी है वो और डिजाइन स्पीड, लेकिन आपने तो आल करके निमंजन लाइट लगे नींद भी दिल तो मेरा भी करता है, आपने डिजाइन करना है न्यूट्रल सेक्शन डिजाइन स्पीड, अगर वो 300 पे है गाड़ी आप 250 पे चलाते हैं तो 300 पे कभी तो चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, तो इसलिए आपने उसी पे रखना है, उसकी ड्यूटी है वो उसको तकरीबन 1 किलोमीटर से क्वार्टर क्वार्टर किलोमीटर के ऊपर से बोर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रल सेक्शन आ रहा है
आपने स्विच ऑफ करना है, न्यूट्रल सेक्शन आ रहा है सर्किट ब्रेकर ऑफ करना है, फिर इंडिकेशन आती है, फिर जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन आप पहुंच रहे होते हैं उससे हार्ड भी कुछ 100 या 150 एग्जैक्टली याद नहीं है, किसी को याद हो 45 मीटर तो उसके ऊपर आके वहां पे उसने ऑफ करना है, क्योंकि उसको टाइम कम से कम लगे और मोमेंटम जो जल्दी निकल जाए. आपने नाव उसको ब्रेक लगा रहे हैं तो कुछ आप उसको छोड़ दें, किसी भी चीज को आप चलते हुए छोड़े तो एकदम उसको पुश कर रहा है हाथ हटा रहे, जिस स्पीड पर वो जा रहा है उसी स्पीड पर जाएगा या उससे बढ़ के जाएगा, कम नहीं होगा फॉलिंग होते ऐसे होगा. सब वीडियो अब फर्ज करें 15 मीटर उससे 1.5 सेकंड 3 सेकंड चाहे वो सेम स्पेस हो चाहे वो डिफरेंट है वो आपने देने मतलब अब आप 40 मीटर भी लगा रहे, मतलब 15 से शुरू हो गया 40 भी लगा रहे मैक्सिमम भी लगा रहे, वो कितनी देर में निकल जाएगा सेकंड्स की बात. ये तुमने जाते सवाल किए मेन लाइन के ऊपर नॉर्मल ऐसा नहीं, अगर क्योंकि ये ड्राइवर से पता होगा, ये ड्राइवर को पता होगा कि बोर्ड भी आ रहे हैं आपके एडुकेशन से तो लगे तो वो उसको पता है अगर से पॉइंट ऑफ अकोमोडेट का जो फॉल्ट इसलिए वो क्या करता है ब्रेक तो वो लगा सकता है वो तो उसके हाथ में है, तो ज्यादा वो न्यूट्रल सेक्शन से पहले ही फिर छोड़ देगा सेक्शन तक उसको जाने नहीं दे, ब्रेक को काम कर ज्यादा वो सिर्फ सोचता है उससे पहले ये स्पीड दे दिया था मैंने ये फ्लैट मैंने नहीं इतना फासला रखेगा तो उसको स्टार्ट करे तो वो उस पे निकल जाए ऐसा नहीं करेगा उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं, और अगर वो देख रहा है कि गाड़ी जैसे जा रही है और इंजन फेल हो गया कि इसी मोमेंटम में आहिस्ता 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 तो फिर भी काफी इंटेलिजेंट है कि यहाँ ही जा रही है वहाँ न्यूट्रल सेक्शन इतनी दूर है ये निकल जाएगा बल्कि हमारे जो लोकोमोटिव थे इसके दोनों साइड पे ड्राइवर थे बोथ साइड अब इस तरह की चला इस तरह की
डेड लोकोमोटिव लेके आते हैं उसका पेंट को डाउन करके आपकी दो साल तो सिर्फ रेट पे चल आपकी दो साल रेट पैसेंजर तो जी पहले पैसेंजर नहीं चलते रेट पे इसको नहीं लाते स्पीड अच्छी नहीं है जल्दी जल्दी उसके बाद आप जब ये एंड आ गया फाइटर कर रहे हैं स्ट्रेट ट्रेन के लिए हमारा सो मोटे पैसेंजर पे ही कम पड़ जाता है फिर किसको होगा ये सिर्फ रेट पे ही इंटरसेक्शन क्लियर हो गया अब उसने क्या करता अब ये चूंकि ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है हमने पहले स्लाइड में पढ़ा याद है इससे पहले वाली तो वो सिस्टम लगाया था ऑटोमेटिक अब यह ड्राइवर का सिर्फ एक ही काम था उसने उसको ऑफ करना है बाकी अब काम ऑटोमेटिक हो रहा है सारा का सारा तो सिस्टम ने डिटेक्ट किया सेंसर ने चेक किया वोल्टेज ने चेंज आया उसने जब सेंस करके वोल्टेज का उसको प्रेशर को के ये इतनी कम आ गई है उसने ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर को मूव करा दिया और उस वोल्टेज पे लिया है जो न्यूट्रल सेक्शन के बाद उसने जैसे ही सेंस किए उसने उस मूव करवाया और वो मूव किया वहां पे आके टैप चेंजर रोक गया सप्लाई उसने देनी शुरू की वो सप्लाई जब आई तो सिस्टम ने ही सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दिया तो एक सिस्टम तो ये लोकोमोटिव ने डिटेक्ट किया दो डिफरेंट वोल्टेजेस थी वो उसके ऊपर अब नए सिस्टम पे वो नई वोल्टेज पे वो ऑपरेट करता हुआ जा रहा है न्यूट्रल सेक्शन क्या है इतनी बात की मेरे ख्याल इतनी तो समझ आ गई सबको डेफिनेशन मोमेंटम में नेगोशिएट कर जाता है डिफरेंट वोल्टेज है फेज है वो डिफरेंट सब स्टेशन को फाइंड करता है dead end and battery section total non-electrified section अब आ जाते हैं वहां एक ही लोकोमोटिव में सारा कुछ अब लोकोमोटिव आप चेंज कर रहे हैं एक स्टेशन तक आप आए यहाँ से एक सिस्टम पर उस सिस्टम के तहत यहाँ पे अब आगे जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर या उस वोल्टेज पे वो ऑपरेट नहीं करेगा वो अब उसके लिए जो सेपरेट लोकोमोटिव है वो उसको अटैच हो जाएगा लेकिन सादा सा सिस्टम आप देख सकते हैं वो तो डिफरेंट वोल्टेजेस की अगर सिस्टम भी डिफरेंट हो जाए मतलब एक सेक्शन एसी का है दूसरा सेक्शन डीसी का है उसमें वो काम करेगा अगर लोकोमोटिव में पूरी है ना तरह 100% लोकोमोटिव मतलब अगर वो मल्टी सिस्टम लोकोमोटिव है उसमें एसी डीसी दोनों सिस्टम
वो डेफिनेट नहीं है, फिर ये वाला सिस्टम। ये तो बिल्कुल सादा सा सीधा सा सीधा अब वो एक ये सिस्टम ये पहले वाले से मिलता जुलता है, ये पहले हमने डिस्कस किया लोकोमोटिव आया उसमें सेंस किया और उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, उसने डिटेक्ट किया और वोल्टेज आवे उसके ऊपर चेंज कर गया। लेकिन अब यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं, यहाँ इस तरफ वोल्टेज एक और है, इस स्टेशन के इस तरफ कुछ और है। अब क्या करते हैं, लोकोमोटिव को लेके आ रहे हैं, उसमें वो सिस्टम मौजूद है कि दोनों सिस्टम पे वो काम कर सकता है। तो यहाँ वाली उसका आपने मैनुअली चेंज किया और उस सिस्टम पे उसकी सेटिंग कर दी कि जो वोल्टेज जा रही थी वो नहीं है, अब आगे दूसरी है, उस पर सेट किया और चला। लोकोमोटिव चेंज करने की जरूरत है, उसके अंदर से आपने वोल्टेज चेंज हुई है और उसको ये बात शुएब कहता तो अच्छा जी एडवांटेज ये मैं पहले बल्कि सिस्टम आया था उसको मैं बता रहा कि आपने रिसोर्सेज को कंबाइन करके उसका फायदा उठाना के लिए दो जगह भी चल सकता है और जर्नी पे कोई इंटरेक्शन नहीं है। नेचुरली जिसके मेरिट्स हैं उसके डीमेरिट्स भी होते हैं, जिसमें अच्छाइयां हैं उसमें बुराइयां।